गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस 8th क्लास। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टेंस पास्ट सिंपल इन एक्टिव टू पैसिव वॉइस टॉपिक। अभी हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आज पास्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को चेंज करने के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करूंगी। देखिए, प्रेजेंट टेंस की चारों फॉर्म वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यस्टरडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस इन एक्टिव टू पैसिव वॉइस। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द गार्डनर इन पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल। पास्ट टेंस की यानी पास्ट सिंपल से हमने स्टार्टिंग किया है और चारों फॉर्म के अंदर एक ही सेंटेंस को मैं आपको चेंज करके एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, द गार्डनर इज सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। वाटर्ड, वाटर्ड मीन्स ये एमवी सेटिंग है। द प्लांट्स ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इन ए पास्ट सिंपल टेंस वी यूज डिड और डिड नॉट प्लस एमवी फर्स्ट इन नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, बट इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी यूज ओनली एमवी सेकेंड। अफर्मेटिव सेंटेंस में यू लिसन मी अगेन इन हिंदी, अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस में हम ओनली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन दैट कंडीशन वी यूज हेल्पिंग वर्ब डिड और डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, यू लिसन मी अटेंटिवली। इन दिस वे we change an active voice sentence into passive voice. First of all, object को हम subject बनाएंगे। क्या बनाएंगे? Object को subject. We write here subject in passive voice sentence. The plants object का हमने subject बना दिया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है इस सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे और कौन से टेंस की लगाएंगे? पास्ट सिंपल टेंस के किसी भी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, व्हेन वी चेंज द पास्ट सिंपल टेंसेस सेंटेंस, इन दिस कंडीशन वी यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे कंडीशन में हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो है वो है वाज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब हैं इसकी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज होता है, प्लूरल के साथ में वर का यूज किया जाता है। यहाँ प्लांट एक नहीं है बट आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। देखिए, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में द गार्डनर, गार्डनर्स नहीं है, मालियों ने नहीं, माली ने, यानी कि गार्डनर एक है। गार्डनर वाटर द प्लांट्स, माली ने पौधों में पानी दिया, इसका सही हिंदी अर्थ ये है। अब यहाँ माली तो एक था लेकिन पौधे अनेक हैं। देर आर मेनी प्लांट्स, क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स आर अवेलेबल इन दिस कंडीशन। सो स्टूडेंट्स, द प्लांट्स इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, सो हियर वी यूज वर्ब एज द हेल्पिंग वर्ब। इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करेंगे। वर्क किया है, यहाँ ऑलरेडी वाटर फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बोथ आर सेम वाटर है। सो हियर वी यूज एज इट इज वाटर बाय द गार्डनर।
गार्डनर के द्वारा फर्स्ट एक्टिव वॉइस की सेंटेंस की हिंदी क्या बनी? द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, माली ने पौधों में पानी दिया। पैसिव वॉइस में द प्लांट्स वर वाटर बाय द गार्डनर, पौधों में माली के द्वारा पानी दिया गया। बाय द गार्डनर मीन्स माली के द्वारा पानी दिया गया, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट हम इसी सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। पहले एक्टिव वॉइस में द गार्डनर यहाँ पे आर है, वाज वाटरिंग, वाज वाटरिंग द प्लांट्स। सो यू लिसन मी अगेन, वाज प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी was plus MV first ing, it means in this sentence we use past continuous tense. Past continuous tense change into past continuous में रहेगा but was being हो जाएगा। जब हम passive voice में change करेंगे तो was का was being और verb के साथ में क्या लग जाएगा, इसके साथ भी being लग जाएगा, verb being हो जाएगा, was being and verb being हो गए। Okay? अब देखिए गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, वाटरिंग एमवी फर्स्ट आईएनजी का यूज है, द प्लांट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। इन दिस वे वी चेंज इन पैसिव वॉइस, द प्लांट्स। अब यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, गार्डनर जो था ये सिंगुलर है, लेकिन द प्लांट्स जो है वो प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है। यहां पे हमें क्या करना है, वर्क करना है, द प्लांट्स वर वाटरिंग वाटर, थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आती है, वाटरिंग चेंज इनटू वाटर बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर। ओके, नेक्स्ट हम इसी सेंटेंस को परफेक्ट में चेंज करते हैं। द गार्डनर हैज वाटर, सॉरी हैड वाटर द प्लांट्स, द गार्डनर हैड वाटर द प्लांट्स। अब देखिए गार्डनर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, वाटर एमवी थर्ड है और प्लांट्स यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे, द प्लांट्स हैड के साथ में बीन का यूज हो जाएगा, एड बीन, द प्लांट्स हैड बीन वाटर, बाकी थर्ड फॉर्म बाय द गार्डनर, किसके द्वारा दिया गया है पानी, दिया जा चुका था गार्डनर के द्वारा। ing and the plant object,
एंड आंसर इज नो चेंज इन पैसिव वर्ब्स. इसका आंसर क्या हुआ? नो चेंज इन पैसिव वॉइस. क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती. इसकी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है और इसमें साथ में टाइम दिया हुआ होता है. इसमें हम कर सकते थे आगे बढ़ाना चाहें तो द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर टू आवर्स फॉर वन आवर फॉर हाफ एन आवर सिंस मॉर्निंग कुछ भी लिख सकते हैं. सिंस इवनिंग सिंस आफ्टरनून बिफोर टू डेज दीज आर एडवर्बियल वर्ड ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो स्टूडेंट्स दिस सेंटेंस दिस टेंस इट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट चेंज इन पैसिव वॉइस. आपको मैंने रूल्स लिखवाए भी हैं अभी भी लिखवा दिए हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती उन टेंसेस के नेम भी मेंशन किए थे मैंने ब्लैक बोर्ड पे नोटिस करवाए आपको. और इससे पहले कि लास्ट ईयर भी जब आप मेरे सामने बैठे हुए होते थे क्लास में तो उस टाइम मैंने बहुत खोल के आपको समझाया है. हालांकि इस टाइम तो फिर भी आप हमारे सामने नहीं हो कोई पूछने वाला नहीं है बताने वाला जरूर है लेकिन कोई पूछने वाला सामने हो तो और भी अच्छा एक्सप्लेनेशन हो जाता है. बट स्टूडेंट सामने नहीं है बताएं किसको. लेकिन जब आप क्लास में बैठते थे तो उस टाइम मैंने एक ही टाइप के सेवरल सेंटेंसेज एग्जाम्पल के लिए लेके ना और आपको बहुत अच्छे से समझाया है. सो आई होप यू दैट यू ऑलरेडी रिमाइंड इट कि ये चीज आपको पहले से याद होगी और आपको ठीक में से अंडरस्टैंडिंग में भी शायद आ गई होगी. आप देखिए ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस जो कि हमने इसे चेंज नहीं किया है. अब हम आगे चलेंगे कल फ्यूचर टेंस पे. सो एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप आई वॉन्ट टू स्टॉप माई लेसन एंड आई होप यू लिसन मी अटेंटिव एंड बी प्रैक्टिस्ड एट यूर होम. मेरा कहने का मीन्स ये है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और घर के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बेटा आप हमारे सामने नहीं हो. सामने होते तो आप हमसे 10 क्वेश्चन पूछते यहाँ बीच में क्वेश्चन पुट करते और हमें उसका आंसर देना पड़ता और हम आपको सेटिस्फाई करते. बट अब यहाँ जो भी बोला जा रहा है आपके द्वारा सिर्फ सुना ही जा रहा है लेकिन सुनी जाने वाली बात को आपको ध्यान से सुनना है उसको फॉलो करना है. और फिर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो. यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड यू कम स्कूल आप स्कूल में आओ और यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो. ओके एंड एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप माय लेसन सो यू नोट इट योर होम असाइनमेंट. करनी है और इसके साथ ही मैं आपको दूसरी भी कुछ चीजें दे देती हूँ जैसे लर्न करने के लिए यूज एंड सॉरी एक कंप्यूटर का पैराग्राफ आप नोटिस भी करेंगे और आपको लर्न भी करना है यूजेज ऑफ कंप्यूटर आपकी ग्रामर बुक में होगा. ग्रामर बुक में अगर नहीं भी है तो लास्ट ईयर मैंने आपको नोटबुक में नोटेड करवाया है ब्लैक बोर्ड पे. सो यू लर्न इट. ओके स्टूडेंट्स सी यू नेक्स्ट टाइम.